जोगी जी हम बोला तानी, जोगी जी हम बोला तानी, बुरा समाचार बा, जोगी जी हम बोला तानी, क्या बात है, बुरा समाचार बा, अरे नीति से कही दी अब की बारी तुहारा, हो नीति से कही दी अब की बारी तुहारा। ये जो दिल्ली था ना, हमने कहा लखनऊ से बोला तनी बुरा समाचार, अरे मोदी से कही दी जोगी भी मारवा, अरे जोगी हम बोला तनी बुरा समाचार, नीति से कही दी अब की बारी तो हारवा। इसलिए नफरत हारा मोहब्बत जीता, पहली बार दुनिया में विकास की राजनीति भारत में शुरुआत हुई। इसके पहले आज तक संवेदनाओं पर, भावनाओं पर वोट पड़ी, कई सारी चीजों पर वोट पड़ी। पहली बार दिल्ली, खास तौर पर जो साउथ के लोग हैं, जो मिक्सअप लोग हैं दिल्ली में, यदि मैं कुछ पूर्वांचल को छोड़ दूं, जिन्होंने आज भी जिस तरीके से देश तोड़ने वालों के साथ खड़ी हुई है, वह मुझे लगता है कि वह निर्णय सही नहीं था, न तो 7 सीट भी बीजेपी वहां चुनाव नहीं जीत सकती थी। इतने नफरत के बाद इतना कट्टा, इतना दारू, इतना पैसा, इतना बलात्कार, इतना गोली मारो, करंट लगे, 4 मुख्यमंत्री, 240 MP, पूरा RSS, पूरा का पूरा बिहार और देश का प्रखंड स्तर का नेता। आश्चर्य होगा आपको, मैं साफ शब्दों में कहना चाहता हूं कि एक बड़ी राजनीति हर परिस्थिति में इस देश ने एक विकल्प दिया है, एक रास्ता दिखाया है, और अब बिहार की बारी है। मुझे लगता है कि बिहार एक बार सपना देखेगी और देखना चाहिए। हम बिहार के लोगों को कहेंगे, बिहार और बिहारियों के लिए एक बार सोचिए, एक बार जाति धर्म मजहब से निकलिए, एक सपना देखिए। 30 साल और 6 साल और बिहार 28वें नंबर पे, बिहार की इकोनॉमी सबसे नीचे, बैंक पैसा देना बंद कर दी, बिहार लगता ही नहीं कि इस देश में है। हम चुनावी साल में आ गए, 5 साल हमें बीत गई, बिहार का इंफ्रास्ट्रक्चर और बिहार की पूंजी निवेश हम 1.2% भी नहीं कर पाए। इसलिए हमें अब राम और हनुमान भी इस बीजेपी से रूठ गए, इतना ना इस्तेमाल किए ना राम और हनुमान को, और इतना ना नफरत पैदा किए कि राम को भी लगा कि अब मंगल था कल, और हनुमान भी कृपा नहीं दे सके। नफरत का साथ ना देकर मोहब्बत का साथ दिया हनुमान। बिहार में क्या विकल्प हो सकता है? साफ विकल्प है, यदि बिहार की जनता और बिहार के यूथ इस बात को सोच ले कि हर परिस्थिति में इस बार पाकिस्तान, हिंदुस्तान, हिंदू मुसलमान, बैकवर्ड फॉरवर्ड हमें नहीं जीना है, एक बड़ा विकल्प होगा। हम तो कह रहे हैं, यदि दिल्ली अरविंद केजरीवाल पर ट्रस्ट कर सकता है, दिल्ली अरविंद केजरीवाल दिल्ली का बेटा हो सकता है, तो बिहार को भी एक बार इस एक अच्छे विकल्प पर ट्रस्ट करना चाहिए। हम तो चाहते हैं वादे पर खड़े रह गए,
हो सकता है कल देश विकल्प के रूप में देखे, और मैं चाहता हूं आज हमें एक जरूरत है एक अच्छे विकल्प, और कांग्रेस को इस बात की गंभीरता पर सोचनी पड़ेगी। घिसी पीटी राजनीति से कांग्रेस को निकलना होगा, और बिहार की राजनीति यदि हम एक विकास के लिए आगे बढ़ गए तो फिर देश जात धर्म हिंदू मुसलमान से निकल जाएगा और एक नए देश की कल्पना होगी। चेहरा आप भी बन सकते हैं क्या बिहार का? या मेरे मैं तो समझ में नहीं आ रहा हूँ। मैं तो कह रहा हूँ आपको कि एक अच्छे लोग, एक मजबूत लोग, एक साफ सुथरे लोग की कमी नहीं है। मैं अपने मियाँ मिट्ठू बन जाऊँ, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। जनता तय करती है ना, हम एक विकल्प देने की बात कर रहे हैं, मैं साथ खड़ा रहूँ, लेकिन सभी लोग को आना पड़ेगा। ये एक युवराज है जिसका कोई मतलब नहीं, न सदन में, न बाहर, न पानी में, न NRC में, न JNU में, न जामिया में, न कहीं। वो भी कहते हैं कि प्रशांत किशोर की नो एंट्री, प्रशांत किशोर यदि फेयर गठबंधन की बात उनके फादर से किया होगा तो प्रशांत किशोर की नो एंट्री। राहुल गांधी जी को ऐना दिखाने लगते हैं, लाठी की नहीं कलम की, तेल पिलावल, लाठी पिलावल, भूरा बाल, और न जाने कितने नफरत पैदा करने वाला सुबह बाजे तो बाजे चलनियो बाजे। राहुल गांधी जी को दिखा रहे हैं, उन्होंने तो कुछ ऐसा नहीं कहा, बोला 6 महीने के बाद यूथ जब किसी जात का मरेगा तो लाठी लेकर के खड़े होगा आपके सामने। वो लंबे लंबे सलाह देने लगे, तो इसीलिए इस बात को मान के चलिए कि कोई भी विकल्प एक अच्छे मुख्यमंत्री के नेतृत्व में होगा, चाहे आप 3 और 4 डिप्टी CM बना लें, लेकिन विकल्प आपको जिस पर सभी जात के लोग ट्रस्ट करें, सभी धर्म मजहब और गरीब लोग ट्रस्ट करें, ऐसे लोगों को आपको विकल्प देना पड़ेगा। जहां पर बहुमत ट्रस्ट नहीं करेगा, और जो 30 साल इस बिहार में, लंबे समय से 15-15 साल इस बिहार को ने जनता ने विश्वास किया और उसको बिहार को बर्बाद कर दिया, 28वां नंबर पर लाने वाले लोग आज भी बिहार के मुख्यमंत्री का सपना देखते हैं, वो बिल्कुल गलत है, वो सही नहीं है। आप गठबंधन में रहिए, लालू यादव RJD गठबंधन में रहे, आप किंग मेकर की भूमिका में आप रहे, लेकिन आपको अपने परिवार से किसी भी कीमत पर मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं देना चाहिए। या नीतीश कुमार जी यदि अस्वीकार हुए हैं बिहार को, तो लालू जी आपका जो परिवार है वो भी बिहार को स्वीकार नहीं है। एक नया समाजवादी चेहरा, एक नया साफ सुथरा चेहरा, ईमानदार चेहरा, कोई भी एक विकल्प हो, एक मजबूत विकल्प हो। कौन हो सकता बिहार में ऐसे चेहरे? है बहुत लोग, वक्त आने दीजिए। हम तो चाहेंगे कांग्रेस को इस बात पर गंभीरता से ध्यान देनी चाहिए। पप्पू यादव भी हो सकते हैं क्या? आज कांग्रेस के कारण RJD जिंदा होती है। कांग्रेस आज एक नए विकल्प के साथ खड़े हो, ये RJD गेंद जो अपने मियां मिट्ठू बन जाते हैं, जिनका बिहार के विपक्ष में, बिहार के चीजों में कोई भूमिका नहीं, आज बिहार और बिहारी के लिए हमें फेयर साफ राजनीति करनी होगी। और हम उम्मीद करते हैं बिहार के नौजवान और बिहार की महिलाएं, बिहार के लोग इन सारे नफरत उन्माद हिंदू मुसलमान से अलग हटकर बिहार के विकास, बिहार के रोजगार, बिहार के छात्र, बिहार के हेल्थ के लिए वोट डालेंगे। और मैं कह रहा हूं कि एक विकल्प बिहार दे, बिहार को दिल्ली से ज्यादा खूबसूरत बनाए, और 2 साल के अंदर बिहार एक देश को नई दिशा देगा। और मैं कोशिश करूंगा 1 to 5 में बिहार, 28 से 1 to 5 में बिहार है, किसी भी परिस्थितियों में
आज हमारे सामने चुनौती है बिहार और बिहारी, रोजगार, एजुकेशन, हेल्थ, हमारे सामने चुनौती है।